शिवम सिंह नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सिमरा दर्पण न्यूज। उत्तर प्रदेश रायबरेली, आज रायबरेली पुलिस अधीक्षक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकार बंधुओं को एक महत्वपूर्ण अहम जानकारी प्रदान करी। बात करते हैं 7 अक्टूबर 2020 को जो सलवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत हत्या हुई थी, उस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। और वहीं पर बात करते हैं कि 2019 में जो घटना वांछित हुई थी, 15,000 रुपये का इनामी बदमाश जो कि महरूप अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार बंधुओं को पुलिस अधीक्षक ने एक अहम जानकारी देते हुए, अब बात करते हैं पूरी खबर की कि क्या अवगत कराया पत्रकार बंधुओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दर्ज करके थाना पचवाना की पुलिस ने विवेचना शुरू की और बाद में पता चला कि ये जो है वो ये रुस्तम खेड़ा नाम के गांव का रहने वाला कुलदीप है। और जब पुलिस ने इसमें विवेचना की तो इसमें ये पाया गया कि कुलदीप का संबंध गांव की एक विवाहिता स्त्री से था और उस विवाहिता स्त्री का एक और प्रेमी जो था वो गाँव में भी रहता था। इस बात से उस स्त्री का पिता बहुत नाराज रहता था। उसने जो स्त्री का दूसरा प्रेमी है इसका नाम अनिल था, उसके साथ मिलकर जो है इस कुलदीप की हत्या कर दी। और जिसमें अंकित को शुरू में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, बाद में जो है ये काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था इसका पिता, जिसके ऊपर 15,000 रुपये का इनाम था और जिसको कल पछड़ावा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी तरीके की दूसरी घटना सलोन की है, जिसमें अमेलिया गांव के रहने वाले राम पूजन का मर्डर जो है वो धारदार हथियार से किया गया था, जिसमें मृतक की पत्नी ने अपने सौतेले बेटे को नामजद किया था और कहा था कि जायदाद के लालच में बेटे ने ही पिता की हत्या की, किंतु एसओ सलोन द्वारा इसमें सही विवेचना उनके द्वारा की गई और सूत्र और सर्विलांस का सहारा लेते हुए उन्होंने पता किया कि इसमें सुबोध नाम के व्यक्ति द्वारा हत्या की गई है। सुबोध जो था वो उसी गांव का एक व्यक्ति है जो उस गांव के एक लड़की से शादी करना चाहता था, इसका विरोध मृतक कर रहा था। इस बात को लेकर वो उससे नाराज़ था और 7 तारीख की रात में उसने उसकी हत्या कर दी। सुबोध को गिरफ्तार कर लिया गया है और विवेचना ठीक है। राम मनोहर नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी, इसके सर पे किसी नुकीली चीज से प्रहार किया गया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में मृतक की पत्नी द्वारा अपनी सौतेली बहन को नामजद किया गया था, जिसको लेकर पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं सुनी, किंतु एसओ सलोन ने बड़ी अच्छी जो है वो विवेचना की और सर्विलांस लगाई हुई है, उनके द्वारा दोनों ने मिल के इस घटना का पर्दाफाश किया और एक भरोस व्यक्ति जो नामजद था उसको बचाते हुए इन्होंने सही व्यक्ति को और ये सही व्यक्ति एक सुबोध नाम का व्यक्ति था जिसका मृतक से अच्छा संबंध था और वो एक गांव की ही एक लड़की से जो है वो शादी करना चाहता था, जिसका विरोध जातिगत आधार पर राम मनोहर था। और जब इस चीज़ की लिए पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और पुलिस के जो सूत्र थे और सर्विलांस का सहारा ले लिया, तब उपरांत सुबोध गिरफ्तार किए गए। उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया और साथ में उनके पास से जो है